अंग्रेजी में कहावत है वोटिंग विद देयर फीट, यानी कि लोग अपनी उंगली से नहीं अपने पांव से वोट डाल रहे हैं। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, जो सड़कों पे हैं, साइकिल पे हैं, ठेले पे हैं, कोई पहिया गाड़ी बना के जा रहा है, ये सब हमारे आपके इस व्यवस्था के विरुद्ध वोट दे रहे हैं अपने पांव से। 50 दिन के इंतजार के बाद ट्रेन शुरू हुई, बस शुरू हुई, हमने सोचा सब काम पूरा हो गया। जरा सोचा भी नहीं कि भाई करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2-3 लाख लोगों को ले जा पा रही है। बाकियों को पता भी नहीं है कि क्या करें, कब करें, ट्रेन स्टेशन तक कैसे पहुँचे, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, कैसे गाड़ी के अंदर नंबर आए, आज नहीं तो कब आएगा, और आएगा तो उन 5 दिन का गुजारा कैसे होगा। मकान मालिक निकाल रहा है, खाने की व्यवस्था नहीं, कैश कुछ दिया नहीं गया। ऐसे में आखिरी विकल्प के रूप में बस जो कुछ है लेके निकल दिए हैं, चल दिए हैं कि बस किसी तरह घर जाऊं, मरना भी है तो घर जाके मर। 70 साल के इतिहास में सबसे बड़ा दाग है ये हमारी सभ्यता पर, सबसे बड़ा कलंक है हमारे विकास पे, सबसे बड़ा जजमेंट है भारत।